नमस्कार दोस्तों, बिंदिया प्लस किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज। चलिए तो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो इसके लिए हमें चाहिए दो बड़े आलू, आलू को बॉईल करने के लिए पानी और तलने के लिए ऑयल। फ्रेंच फ्राइज बनाते टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि आलू हमारे एकदम हार्ड होने चाहिए, ये बिल्कुल भी नरम नहीं होने चाहिए। अभी हम इसे पानी में रख देंगे। अभी हम इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से हम सारी चिप्स को एक ही साइज में काट लेंगे। इसे काट के हम तुरंत ही पानी में डाल देंगे, नहीं तो फ्रेंच फ्राइज हमारी काली पड़ जाएगी। सारी फ्रेंच फ्राइज को हमने कट कर लिया है। अभी हम इसे दो से तीन पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसे हमने तीन से चार बार साफ पानी में वॉश कर लिया है। फ्रेंच फ्राइज को उबालने के लिए हमने पानी को गर्म होने के लिए रखा है। पानी हमारा बिल्कुल उबल गया है। अभी हम इसमें फ्रेंच फ्राइज डालेंगे। इसे हमने हाफ कुक ही करना है। इसे हम गर्म पानी में 5 से 7 मिनट कुक होने देंगे, इससे ज्यादा हम कुक नहीं करेंगे। 5 से 7 मिनट हमारे हो गए हैं, फ्रेंच फ्राइज हमारी हाफ कुक हो गई है। इसे हमने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। अभी इसे हम एक कॉटन के कपड़े पे रख देंगे। इसे हम थोड़ा सा फैला लेंगे और दूसरे कॉटन के कपड़े से इसे हम थोड़ा सा पोंछ लेंगे। अभी हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर छिड़क देंगे। इसे हम टॉस कर लेंगे। इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। 2 घंटे हमारे हो गए हैं, फ्रेंच फ्राइज हमारी बढ़िया से फ्रीज हो गई है। आप इसे जिप लॉक बैग में भर के फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं, जब चाहे इसे फ्राई करके सर्व करें। ऑयल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है। अभी हम इसमें फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करेंगे। इसे हम 2 बार फ्राई करेंगे, जिससे कि हमारी फ्रेंच फ्राइज एकदम क्रिस्पी बनेगी। इसके ऊपर हम चुटकी भर नमक डालेंगे, जिससे कि फ्रेंच फ्राइज हमारी थोड़ी सी नमकीन हो जाए। ऑयल में ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएगी। इसे 2 से 3 मिनट ठंडा होने के बाद फिर से फ्राई कर लेंगे। ये लाइट पिंक हो गई है। अभी हम इसे निकाल देंगे एक प्लेट में। अभी हम इस पर थोड़ा सा नमक डालेंगे, ओरिगानो डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बिंदिया प्लस किचन को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसे हम केचप के साथ सर्व करेंगे। तो दोस्तों रेडी है हमारी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज। इसे हमने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं फिर नई एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लेफ्ट में क्लिक कीजिए, फीचर वीडियो को देखने के लिए राइट में क्लिक कीजिए
अगर आपने हमारे चैनल का ट्रेलर नहीं देखा है तो टॉप सेंटर में क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।